हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह मेरे व्यूअर्स की एनर्जी राइट साइड में, आपके पर्सन की लेफ्ट साइड में, और अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आज का दिन आप दोनों का कैसा जाएगा। जिन भी कार्ड्स को इधर उधर होना है फटाफट हो जाएं। आप दोनों की आज की एनर्जीज इसे हम म्यूचुअल कार्ड लेंगे। आप दोनों ही ओवरथिंकिंग कर सकते हैं आज के दिन। ये है गाइज आपकी एनर्जी, ये आपके पर्सन की। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो पहली वाइब्स है वो ये है कि आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। आपने कई बार अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी है, दूसरे को प्रायोरिटी दी है। आपने किसी और के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दिया है, कई बार आपने ऐसा किया है लाइफ में। आपको भगवान से एक ही उम्मीद है कि क्या मेरे लिए कुछ अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्या मैंने जितने सैक्रिफाइसेस दिए हैं सब वेस्ट हुए हैं? क्या मेरी ज़िंदगी में कोई चमत्कार, कोई मिरेकल हो सकता है अगर मैं आपसे कुछ मांगूँ तो? तो आप में से कई लोगों की ये वाइब्रेशन है, जैसे आप भगवान से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके कर्मा के अगेंस्ट, मतलब जो डेस्टिनी में ना हो वो भी आप चाहते हैं कि हो जाए, चमत्कार जिसे हम कहते हैं। कि जैसे कई लोग कहते हैं ना कि ये आपके भाग्य में नहीं है, बट आपको लगता है कि भगवान के अंदर इतनी पावर है कि वो भाग्य को बदल सकते हैं। तो आप अपने भाग्य को बदलने की पावर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि सिचुएशन जो ख़राब है वो चेंज हो जाए, सन पॉजिटिवली चेंज हो जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ चैलिसेस, नाइन ऑफ वांड्स, ओवरऑल एनर्जी है द स्टार। तो आज के दिन ज़्यादातर लोगों के पर्सन की जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है वो होपफुल फुलफिलमेंट ऑफ विशेस वाली है। जैसे कि आप होपफुल हैं कि आपकी जितनी भी विशेस हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। आपने या तो 11-11 पे कुछ मैनिफेस्ट किया है, या 10-10 पे कुछ मैनिफेस्ट किया है, या फुल मून न्यू मून पे आपने कुछ ना कुछ रिचुअल्स किए हैं, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशंस की हैं। जैसे होते हैं ना कि पानी पीते टाइम भी आप अपने पर्सन को इमेजिन करके, उनका नाम लेकर, उनको याद करके अफर्मेशंस के साथ पानी पी रहे हो, या नहा रहे हो तो आप अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो। तो आप जो भी आपको लगता है कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आप करने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो, और आप होपफुल हो कि शायद कुछ ना कुछ तो आपके लिए वर्क करेगा, कहीं ना कहीं कोई ना सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। ओवरऑल आज का दिन आपका अच्छा है। इमोशनल रहेंगे आप थोड़ा सा, और थोड़ा सा किसी क्वीन के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ये क्वीन आपके घर की हो सकती है, आउटसाइडर हो सकती है, कोई ना कोई महिला। इसके अलावा थोड़ा सा फियर है आज, किसी सिचुएशन में हारना नहीं चाहते आप। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो जीतना है भले समय लग जाए, हार से डर रहे हैं आप। लेकिन आपको अंदर ही अंदर एक उम्मीद भी है कि जीत आपकी ही होगी। आज के दिन कुछ लोगों को नेम, फेम, रिकॉग्निशन रिसीव हो सकता है, ग्रोथ, प्रमोशन। अगर कोई एग्ज़ाम है तो अच्छा जाएगा, स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल के बच्चे तो यहाँ नहीं होंगे, कॉलेज में, या आपके ऑफिस में आपकी अप्रिशिएशन हो सकती है, आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है किसी बात के लिए। अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने के योग आज बहुत स्ट्रांग है। अगर आज के दिन आपको इंटरव्यू देने वाले हैं तो बेस्ट विशेस, क्योंकि सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आते हुए नज़र आ रही है, एक ठहराव आते हुए नज़र आ रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, लकी है। कुछ लोगों के लिए अनलकी होगा जिनको सुबह सुबह आउल, बैट दिख सकता है।
और एक सिचुएशन में अनलकी हो सकता है कि अगर आपको कोई मरा हुआ जानवर दिख जाए तब अनलकी हो सकता है, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों के लिए शुभ है आज का दिन, बहुत शुभ। अब कोई ऐसी चीज़ भी बताऊंगी जो कि मुझे यहाँ पिक हो रही है। सबसे पहले आज के दिन कुछ लोगों के पेट की तबीयत ख़राब हो सकती है। इसके अलावा मदर से हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है या मदर का बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। तो आज के दिन अपने मदर का या फादर का बीपी ज़रूर चेक करें। तीसरी चीज़, अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट वुमन है प्लीज़ टेक केयर ऑफ हर आज के दिन स्पेशली। ये तीन एनर्जी मुझे पिक हो रही है तो मैंने आपको बता दी। देखते हैं आपके पर्सन के हालचाल। मुझे चोट लग जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता, पता नहीं कैसे चोट लगी हुई है। मैं बहुत फास्ट चलती हूँ तो मैं लड़ जाती हूँ कभी कभी और मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं लड़ चुकी हूँ कहीं दीवार वाल से, बेड से, बेड के कॉर्नर से। वी हैव डेथ कार्ड, आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड, फोर ऑफ सोर्ड्स। इनका एनर्जी आज के दिन बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि रीडिंग की शुरुआत फोर नंबर से हुई है, डेथ से हुई है, एंड यहाँ से फोर ऑफ सोर्ड्स ब्रेकअप की एनर्जी, अकेले रहने की एनर्जी, किसी से बात ना करना, तो मूड इनका थोड़ा सा ख़राब है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑफिस में भी गुस्सा निकलेगा। अगर ये खुद बॉस हैं तो ये स्टाफ के ऊपर गुस्सा करेंगे, अगर ये स्टाफ हैं तो बॉस इनके ऊपर गुस्सा करेंगे या ये बॉस से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। करियर का प्रेशर भी हो सकता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, करियर का प्रेशर है 100%। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ चैलिसेस, एक दो तीन किंग आ चुके हैं अब तक। बॉटम ऑफ द डेक से है सेवन ऑफ पेंटिकल्स विद एट ऑफ चैलिसेस। कुछ लोगों के पार्टनर आपको ये मैसेज दे सकते हैं, अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो, कि इनके ऑफिस में किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई और ये अब जॉब चेंज कर देंगी या जॉब चेंज कर देंगी। अगर इनका खुद का बिजनेस है तो ये किसी को निकाल सकते हैं, इन्होंने किसी को निकालने का डिसीजन ले लिया है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज, या तो ये प्रोफेशन चेंज करने की बात कर सकते हैं कि यार बिज़नेस बिल्कुल नहीं चल रहा, मुझे बिज़नेस चेंज करना है, बिज़नेस में सिर्फ घाटा हो रहा है, प्रॉफिट तो नहीं हो रहा। या फिर ये लोकेशन चेंज करने की बात करेंगे कि यार यहाँ नहीं, कहीं और जाते हैं, किसी और सिटी से बिज़नेस करते हैं। मतलब इस तरह की कोई प्रॉब्लम इनके साथ है, अब आपसे डिस्कस करें या ना करें, बट ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। इंस्टेंटली इनको मैसेज आ जाए कि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, ये भी यहाँ पर हो सकता है। मतलब करियर से रिलेटेड इनका आज का दिन थोड़ा सा डल है, बट पर्सनल लाइफ अच्छी है। पर्सनल लाइफ में नज़र आ रहा है कि ये रोमांटिक एनर्जी में है, किंग ऑफ वॉन्ड्स विद किंग ऑफ चैलिसेस, तो ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे बात करना। तो ये डायरेक्टली आपको मैसेज या कॉल करके आपसे हालचाल ले सकती हैं या ले सकते हैं, अपने प्यार को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे निडर होकर, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की वाइब्स है, जैसे स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स जिनको सडनली उनके पर्सन कॉल करें, मैसेज करें और कहें कि शादी कर लेते हैं, मैंने अपनी फैमिली में बात कर ली है या करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तुम भी कर लो, ऐसी कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। अगर आप दोनों ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में हैं तो ये आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं कि जो भी थर्ड पार्टी थी जिसके कारण ब्रेकअप था वो ख़त्म हो गई, थर्ड पार्टी रिलीज हो गई, ऐसी एनर्जी भी काफ़ी लोगों से रेजोनेट करेगी। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन के लिए आज का दिन ऐसा है जैसे ये अपनी लाइफ में आज का दिन बिल्कुल अकेला रहना चाहें, तो ये अगर आपसे इस तरह की बातें करते हैं कि बाद में बात करते हैं या मैं आज बहुत बिज़ी हूँ, तो हो सकता है ये बिज़ी ना हो लेकिन ये अकेले रहना चाह रहे हों, जैसे किसी से बात करने का मन ना हो, किसी से मिलने का मन ना हो, किसी को जवाब देने का मन ना हो, अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और कुछ तो इनके साथ ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा ख़त्म हुआ है या इन्होंने कुछ ख़त्म करने का डिसीजन ले लिया है जिसके बारे में ये बार 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 ओवर थिंकिंग करेंगे आज के दिन में। तो आपके पर्सन की एनर्जी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि इनको थोड़ा आप स्पेस देना, अगर ये खुद से आपसे बात करें तो बहुत अच्छे से करना, आर्ग्यूमेंट मत करना, और बात ना करें तो स्पेस देना, ठीक है। अपनी तरफ से कोशिश करना कि इनका आज का दिन आपसे दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आप दोनों की एनर्जी। मिलते हैं इसके बाद एस्ट्रो विद एम सिंह में मैसेजेस के साथ।
और उसके बाद आएंगे इस चैनल पे करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ. सो टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय.